हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब और ये है बहारों का जलवा। मिर्च की बैक रोटरी से गुड़ाई या जुताई या रोटावेटर आप लोग जो समझ लीजिए। हमारे सामने एक भाई हैं जो कि किसान है। भैया पहले अपना आप परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए पहले। हमारा परिचय इधर 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 सामने चंदन पर... नाम है पचराव गांव। चंदन नाम है आपका, पचराव आपका मकान है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला मिर्जापुर, थाना चुनार, यहाँ का आप वीडियो देख रहे हैं। तो भाई ये बताइए, ये कौन सी कंपनी का बैक रोटरी है? विशेष कंपनी का। तो आप क्यों इसको लिए, क्या सोच के लिए, इसमें आपको चलाने में क्या फायदा है, क्या बताइए कुछ? इससे हाथ गट्टा नहीं भरत, न झटका दे न पटका दे। अच्छा, हाथ गट्टा मतलब क्या आपका? ये कंधा, ये कंधा मतलब फेफड़ा जो है हिलाई दल चाहिए नो। आप सेंट्रल रोटरी की बात कर रहे हैं? सेंट्रल, सेंट्रल रोटरी की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों सेंट्रल रोटरी वो होती है जिसमें आगे ये चक्का नहीं लगा होता है, नहीं रोटा बेटर भी नहीं रहता। हाँ, जिसमें ये चक्का नहीं लगा रहता है, चक्के के जगह रोटा बेटर लगा रहता है। और उसमें क्या है, कंफर्ट नहीं रहता है, किसान को आराम नहीं होता है, रोड़ा फेंकता है। अच्छा, उसमें रोड़ा भी फेंकता है, वो तो मट्टी के हिसाब से है, मुलायम मट्टी रहेगा तो। अब ये तो रोटावेटर के जैसा ही है ना, इसको आप समझिए एक मिनी ट्रैक्टर। मिनी ट्रैक्टर तनको गहराई कम नहीं भाई। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये गहराई है, गहराई आप लोग देख लीजिए। अब मेरा तो हमेशा इसी में फोकस रहता है, मैं तो अपना, अगर मुझको भी लेना हो तो मैं तो चाहूंगा यही लेना। और दूसरे को भी अगर सजेशन देना हो तो मैं तो कहूंगा कि यही लीजिए, भले महंगा पड़े, 4 रुपया महंगा पड़े, बाकी गाड़ी है ले। अच्छा ये बताइए कि अगर इस बैक रोटरी से आपको ये खेत की जुताई करनी हो तो आप एक दिन में कितना कर सकते हैं? 4 से 5 बीघा एक दिन में। ये आपको पड़ा कितने का? ये पड़ा 2 लाख पूरा, नेट नेट 2 लाख 2 लाख। 1000 का चक्का भी बुकिंग करा दो, 4-5 दिन में मंगवा जी। चक्का मतलब रोटावेटर के नीचे लगी रोड का आवाज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सीट उसमें लगा था बैठ के कि नहीं, नहीं, बस जो अच्छा समझ गया, समझ गया, समझ। हाँ, उठा के नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल जानकारी लेंगे तो यूट्यूब पे इसका आपको एकदम एक एक कल पुर्जा, इसका एफड़ा फेफड़ा जो भी है, हार्ड रिंग सिलेंडर पिस्टन सब टेक्निकल आपको जानकारी मिल जाएगी। ये तो मैं किसान का डायरेक्ट आपको खेत में दिखा रहा हूँ कि इसको आप लेने से एकदम 100% संतुष्ट हैं। एकदम साल भर में तक ट्रेनिंग दे चुका, डबरी कर चुका, मतलब आप इसको चला उला के बकायदे देख चुके हैं, तब जाके आप लिए हैं। साल भर पूरा सीजन हम चलाए भाई। अच्छा ये BCS कंपनी का है ये? तो आपको 2 लाख में क्या मिला है? बस यही जो आपके जितना है सामने भाई है। अच्छा, अगर मिट्टी अगर चढ़ाना हो तो 75,000 का लग जाएगा। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने वाला जो है, ये मिर्चा की दूरी कितना है? ये एकड़ है 28 इंची 29 इंची। 28 इंची पे दोस्तों देखिए, ये 28 इंच पे आप लोग देख लीजिए, 28 मिर्च से मिर्च की दूरी 28 इंच और 30 इंच की दूरी है, आप लोग देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ठीक है, ये तो ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, अगर इसको ऐसे ऐसे चलाना हो तो आपको मतलब पूरा पेड़ सीधा खड़ा बेड़ा सब एकदम मिले, बस लाइन बाई लाइन मिले, चाहे खड़का आपको 28 से 30 इंची बस चाहिए, और सीधा सीधा लाइन होना चाहिए, चाहे खड़ा हो चाहे बेड़ा, चाहे खड़ा रहे चाहे बेड़ा रहे, त्रिपोट वाला रहे। हाँ हाँ, कौन होला, बस लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन मिले बस। अब ऐसे अगर इसमें अगर आप जो है एकदम सीधी सीधी भी जुताई कर रहे हैं, मान लीजिए एकदम ऐसे खड़ा पे लगा हुआ पेड़ अगर ऐसे भी जुताई कर रहे हैं, तो इसमें ये बेनिफिट है कि ये बीच में आप चाहे तो लेबर से भी, 4 लेबर के भी यहाँ लगाता है। हाँ, इसमें इसमें अच्छा लेबर भी कम लग रहे हैं, बस 4 थे वो मार दिए, खुरपी दूदू मार चल निकल जाएंगे। तो आप लोग अगर मान लीजिए दूसरी की गुड़ाई करना हो तो कितना ले रहे हैं? 1200 भी यही दूसरे करना है। अच्छा, आप दूसरे गुड़ाई कर रहे हैं 1200 में? चलिए अच्छा है, मतलब लोगों को लेना चाहिए ये BCS कंपनी का। अच्छा, आप डीजल पे क्यों नहीं गए? डीजल पे वो हमको मालूम है, ये तो पेट्रोल है भाइयों, ये पेट्रोल है, 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें सादा पेट्रोल पड़ता है। इंजन में कितना मोबिल ऑयल पड़ता है? इंजन में 1 लीटर 1 लीटर। अच्छा ये बताइए, आप डीजल पे क्यों नहीं गए? ये पेट्रोल लिए हैं, डीजल पे क्यों नहीं गए?
अरे यार बहुत लोग कहते हैं कि किलोस्कर वाला जो है 8 हॉर्स का वह है केडी सिंह की दो है चला हम देख के आए हैं मट्टियों भी चढ़ा के आए हैं जोतू का आए हैं उनको 5 बीघा जोत हम आए हैं तो क्या रिस्पांस मिला आपको कैसा लगा बाड़ी है लम्बा 2.5 क्विंटल का है पहले तो लम्बा इतना बा पौधा निकाले में मुड़ावे में बड़ा कष्ट बा अच्छा इससे लंबी है वो इससे लंबी ऐसे उजर तो भाइयों जो भी वीडियो यहाँ तक देख लेगा तो ये भी सुन ले ये भैया किलोस्कर 8 हॉर्स पावर डीजल इंजन की बात कर रहे हैं अच्छा उसमें शोर भी इससे ज्यादा होगा शोर का एक पूरा बोनट जन बायकर बाड़ी हमारे टाइम निकाल दे 30 इंच पकड़ बाड़ी है हाँ 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 एक टाइम नाप देवे कर 20 इंच पकड़ बाड़ी टाइम बा प्रेजेंट टाइम में अच्छा 18 इंच पे चंका एक बा अच्छा और 26 इंच पे चक्का है 28 इंच पकड़ बाड़ी है अच्छा इससे वजन भी उसका ज्यादा होगा 2.5 क्विंटल है 2 क्विंटल है अच्छा 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 क्विंटल कितना लेके चलेंगे तो भाइयों आप इनकी बातों समझ लीजिए ये किलोस्कर 8 हॉर्स पावर बैक रोटरी हम ट्रेनिंग देखे चला कर बात कर रहे हैं तो मतलब आप वो सेटिस्फाई नहीं हुए से आप संतुष्ट नहीं हुए डीजल इंजन है हाँ अच्छा उसमें वाइब्रेशन भी ज्यादा है हाँ वजन भी ज्यादा है हाँ वजन भी ज्यादा है 1,60,000 रूपए पड़ेगा हाँ ये है कि उसका रेट जो है कम है रेट कम है सर रेट कम है तू के चलवाएगा एक राउंड से आप चलवाएंगे 28 इंच का है हाँ। दोहरा राउंड से में जो चलवाएगा पौधा बड़ा हो गया हाँ। तो राड नहीं निकल सकेगा खाली ब्लेड निकलेगा तो राड कुल पौधा सुता हुआ चला जाएगा हाँ। तो कंपनी लेकर क्या करेंगे पैसा फंसा मतलब वो मिर्च के लिए चलिए अच्छा दोस्तों अगर आपने देखा है तो आपको मेरा वीडियो तो आपको शायद कुछ तो जानकारी जरूर ही मिलेगी 2.5 लीटर में 20 बिस्वा यानी 1 बीघा पौने 2 घंटा में 1 बीघा निकल जाएगा मतलब सीधा सीधा जोत देंगे बढ़िया जुताई करबे तब और दौड़ेबे 3 नंबर में 1 घंटा में निकाल खाली कर दे अच्छा मान लीजिए कि 2.5 घंटा में मतलब आप अगर 4 घंटे में अगर आपको 1 बीघा करना है या 1 बीघा यानी दोस्तों 20 बिस्सा अगर खड़ा बेड़ा दोनों करना अगर लाइन सीधा पौधा लगा हुआ है तो 3 या 4 घंटे में 1 बीघा निकाल देंगे 4.5 घंटा खड़ा बेड़ा दोनों साढ़े तीन घंटा में क्या गियर है इसमें अच्छा और इसमें वो डिफेंसर लॉक वाला भी सिस्टम है जैसे दोनों चक्का लॉक कर देंगे चलिए एक नंबर की जुताई देख रहे हैं ना तो कोई उछल कूद पटक बस यही है कि पेड़ की दूरी सही होनी चाहिए इतना तो भाई करना ही पड़ेगा अब वो चाहे सेंट्रल रोटरी हो चाहे बैक रोटरी हो अगर पेड़ की दूरी सही नहीं रहेगी तो उससे भी कट सकता है इससे भी कट सकता है बाकी किसान भाई हैं संतुष्ट हैं एकदम एक नंबर का ये BCS कंपनी का इसका होंडा का इंजन है और थोड़ा सा और आपको बताते हैं अच्छा ये बताइए कि इस पर गारंटी वारंटी क्या है साल भर है साल भर गारंटी है कि वारंटी वारंटी है अगर कोई गड़बड़ी या कुछ भी होता है तो सर्विस कहाँ मिलेगा आपको अच्छा अच्छा BCS वाला खुद अपने आपके यहाँ भेजेगा सर्विस करने के लिए अगर कोई देखिए ये सीधी सीधी जुताई करवा दे रहे हैं अब बीच में आपने सुना ही कि लेबर कितने लग रहे हैं अब बीच में ये खुरपी से निकलवा देंगे एक नंबर का हो जाएगा और इसी से मिट्टी भी चढ़ा देंगे भाई इसमें पैसा तो जरूर लग रहा है लेकिन ये आपका जो है काम भी ज़्यादा करेगा और इससे आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी एक नंबर का चीज़ है ये पैसा भले एक बार लगता है लेकिन ये पैसा सूल सिस्टम है अपना भी काम कर सकते हैं दूसरे का भी काम कर सकते हैं ये देख लीजिए दोस्तों एक हाथ से चलाते हुए एक HP में है ये 8 हॉर्स पावर ऐसे चलेगा सेंट्रल रोटरी एकदम समझ लीजिए ये किसानों के लिए ये ट्रैक्टर एकदम वरदान है वरदान पैसा एक बार जरूर लगेगा लेकिन एक नंबर का चीज है बहारों का जलवा हाँ दोस्तों ये है असली बहारों का जलवा आज आप लोगों को दिखा रहे हैं मिर्च का जलवा इस समय मिर्च की खेती का सीजन चल रहा है ये पूर्वांचल किरियात का वीडियो है
अगर आप ऐसा कोई ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन और बेस्ट विकल्प है। आप किसी और कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जांच परख के लीजिएगा। इसमें डिफेंस लास्ट सिस्टम है। इसका चक्का अगर फुल कितना तक बढ़ेगा? 24 इंच तक। मैं कम से कम कितना होगा? 18 इंच। 24 इंच से लेकर 18 इंच तक घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, इसकी रूटर की कितना इसका बढ़ा सकते हैं? अच्छा, मतलब पूरा 30 इंच तक ये इसका रूटर है, 30 इंच तक चलेगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।